आइए दोस्तों जम के बात कर ली जाए द लायन किंग की। द लायन किंग जिसने इंडिया में दोस्तों 3 दिन के अंदर 50 करोड़ पार कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। दोस्तों अगर द लायन किंग की मैं बात करूं तो अपने फर्स्ट मंडे को फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस किया है। इनफैक्ट और जो फिल्में हैं उनके कंपेयर में अच्छा बिजनेस किया है। फिल्म ने दोस्तों अपने पहले मंडे के दिन जो कमाई की है वो 7.90 करोड़ की है। फ्राइडे की बात करूं जब फिल्म रिलीज हुई थी दोस्तों तो 11.06 करोड़ कमाए, डबल डिजिट, ओह वाओ। फिर उसके बाद दोस्तों सैटरडे आता है और 19 करोड़ का बिजनेस करती है फिल्म। फिर उसके बाद दोस्तों संडे आता है और फिल्म जो है 19 से एकदम जंप लगा के 24 करोड़ कमा लेती है, 24.54 करोड़। और टोटल मिला के अगर मैं बात करूं तो फिल्म ने दोस्तों अपने 4 दिन के अंदर 62.65 करोड़ का ट्रिमेंडस बिजनेस कर लिया है। सो ऑल यू क्रेजी फैंस आउट देयर, आप मुझे बताइएगा कि फिल्म जो है आगे कितना जाएगी। क्या ये फिल्म स्पाइडरमैन ने जो रिकॉर्ड बनाया है इंडिया में यानी कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, उसको पीछे कर पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन आपका है, मुझे जरूर बताइएगा। बने रहिए चैनल के साथ राहुल भोज, तो इसी तरीके की चटपटी बातें आप लोगों को बताता रहेगा। सो कीप ऑन वॉचिंग।